अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करें। और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, उसे भी क्लिक करें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जो वीडियो हम अपलोड करें। साध संगत जी, डेरा 608 संत सरवण दास जी, सचखंड बल्ला के बानी महान तपस्वी ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मली कौम के रहवा सतगुरु स्वामी सरवण दास महाराज जी के सत्कार योग पिता सतगुरु बाबा पिप्पल दास महाराज जी का 90वां बरसी समागम डेरा 608 संत सरवण दास जी सचखंड बल्ला विखे जगत गुरु रविदास महाराज जी के पावन पवित्र अमृत बाणी जी की छत्र छाया है सतगुरु स्वामी रंजन दास महाराज जी की रहनमई है बहुत ही श्रद्धा और धार्मिक मर्यादा अनुसार मनाया जा रहा है। सो बेनती करते श्रीमान बाबा जगदीश जी मंडवी जिला संगरूर के जथे नूं इक शब्द सरवण कराउणगे। बाबा पिप्पल दास महाराज जी की उस्तत दे विच कवि ने लिखिया जन्म मालवे का डेरा विच बल्ला, जन्म मालवे का डेरा विच बल्ला तेज चमकदा विच संसार देखो, जन्म मालवे का डेरा विच बल्ला तेज चमकदा विच संसार देखो। इस देश धरती दे भाग चंगे, इस देश धरती दे भाग चंगे, पिंड पिंड दा करन आधार देखो। इस देश धरती दे भाग चंगे, पिंड पिंड दा करन आधार देखो। बल्ला नगर दे भाग जगाउण खातर, बल्ला नगर दे भाग जगाउण खातर तदों संतां ने लिया अवतार देखो, तदों संतां ने लिया अवतार देखो। गुरु ग्रीवन वा ग्रीवन वा जियो धन धन सतगुरु रविदास महाराज जियो, बाबा पिप्पल दास गुरु सरवण हरिदास गुरु जोए सो हमरी रखिया करे।
विघन ना लागे कोई। तन तन सतगुरु गरीब दास बंदो नित सुभाष चरण कमल को दंडवत कोट कोट प्रणाम। आओ जी आप सारे रल मिल के सतगुरु जी का उच्चारण किया होया शब्द सारिया संगत आप सरवण करिए जी। जी साची प्री जी साची प्री हम तुम से जोरी साची प्री साची प्री हम तुम से जोरी साची प्री हम तुम से जोरी तुम से जोर तुम से जोर अवर संग तोरी साची प्री हम तुम से जोरी साची प्री हम तुम से जोरी। जो तुम गिरवर तो हम मोरा जो तुम गिरवर तो हम मोरा जो तुम चंद तो हम पहे है चकोरा जो तुम चंद तो हम पहे है चकोरा साची प्री हम तुम से जोरी साची प्री हम तुम से जोरी। माधवे तुम ना तो हम नहीं तो रे तुम से तो कवन से जो रे साची प्री हम तुम से जोरी हाँ साची प्री
तुम से जोरी साची प्रीत हम तुम से जोरी जो तुम दीवरा तो हम बाती जो तुम तीरथ तो हम जाती के हे मेरे रब जी जे तू दीवा बन जाए असी बत्ती बन जाइए जे तू तीर्थ बन जे असी यात्री बन जाइए मेरे मालक जी जो तुम दीवरा तो हम बाती जो तुम तीरथ तो हम जाते साची प्री हम तुम से जोरी जी साची प्रीत हम तुम से जोरी साची प्रीत हम तुम से जोरी जह जह जाओ तहां तेरी सेवा तुम सो ठाकुर और ना देवा तुम सो ठाकुर और ना दे साची प्री हम तुम से जोरी साची प्री हम तुम से जोरी साची प्री तुमरे भजन कट है जम फांसा भगत हेत गावे रविदास भगत हेत गावे रविदास साची प्रीत हम तुम से जोरी साची प्रीत हम तुम से जोरी 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 जोरी तुम से 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 जोरी तुम
रविदास को अल्लाह कही को पुकारे राम केशव कृष्ण करीम सब माधो मुकुंदो अल्लाह पाकम पाक घर अल्लाह अल्लाह पाकम पाक घर अल्लाह अल्लाह पाकम पाक है अल्लाह अल्लाह पाकम पाक है अल्लाह सक करो जे दूसर हो वेद कतेब इफ्तरा पाई दिल का फिकर ना जाए हाजर गजूर खुदाए हाजर गजूर खुदाए अल्लाह पाकम पाक है अल्लाह अल्लाह पाकम पाक है अल्लाह सक करो जे दूसर होए सक करो जे दूसर होए अल्लाह पाक पाक है अल्लाह अल्लाह पाक पाक है अल्लाह बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी मांगे
बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी मांगे बाहर खोजत का फिरे घट भीतर की खो रविदास उन मन साध कर देखूं पिया कुआज बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे ये जो दुनिया से हर मेला दस्तगीरी ना गे दस्तगीरी ना गे दस्तगीरी ना गे अल्लाह पाक पाक है अल्लाह अल्लाह पाक पाक है अल्लाह सक करो जे दूसर हो सक करो जे दूसर हो अल्लाह पाक पाक है अल्लाह अल्लाह पाक पाक है अल्लाह दरोड़ पढ़ पढ़ खुशी होए बेखबर बात बकागे हक सच खालक खलक में आने श्याम मूरत नाहे श्याम मूरत नागे श्याम मूरत नागे अल्लाह पाक पाक है अल्लाह अल्लाह पाक पाक है अल्लाह सक करो जे दूसर हो सक करो जे दूसर हो अल्लाह पाक पाक है अल्लाह अल्लाह पाक पाक है अल्लाह आसमान मिन घे लखंग दरिया गुसल कर दन बूंद कर फकर दायम लाए चश्मे जहां तहां मौजूद जहां तहां मौजूद जहां तहां मौजूद अल्लाह पाक पाक है अल्लाह अल्लाह पाक पाक है अल्लाह Thank you.
अल्लाह अल्लाह सारे नी सादा नी दा मगर सरे मारी दा नी सादा नी सरे गा गा मा बादा नी दा सा रे सानी सरे गारे सानी 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 दा बा मा बा गा मा गा रे सानी सानी सरे गा गा रे मा गा पा दा मा बादा नी पा सानी रे सरे मा गा रे नी ने सादा पा Dharma paga mare maga pada ni re ni sa Kabir karm karim ka o kar jane soye Allah paak hai सत करो जे दूसर होए कबीर कर्म करीम का ओ कर जाने सोए ओ कर जाने सोए ओ कर जाने सोए अल्लाह पाक पाक है अल्लाह अल्लाह पाक पाक गए अल्लाह सक करो जे दूसर होए सक करो जे दूसर होए अल्लाह पाक और जिथे विदेशों तो संगत वड्डी गिणती दे विच डेरे विखे महाराज जी पासों आशीर्वाद लैन और सतगुरु बाबा पिप्पलदास महाराज जी के बरसी समागम ते श्रद्धा अर्पण करने वास्ते पहुँचे हैं। उत्ते साडे बहुत ही सत्कारयोग श्रीमान शिंदा कौलतार जी विदेशों तो जो कि क्रांति टीवी चैनल राही जगत गुरु रविदास महाराज जी के मिशन का प्रचार प्रसार घर घर तक पहुँचा रहे हैं, वह भी विदेशों तो सतगुरु स्वामी रंजन दास महाराज जी पासों आशीर्वाद और सतगुरु बाबा पिप्पलदास महाराज जी को श्रद्धा अर्पण करने वास्ते पहुँचे हैं। जी आया नूं धन्नवाद। सो आओ श्रीमान हरदेव जी पासों गुरबाणी सरवण करिए जी। आदरणीय वंदनी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आप सब संगतां ब्रह्मलीन ब्रह्म ज्ञानी गरीबां दे मसीहा परमात्मा स्वरूप सतगुरु स्वामी सरबंदास महाराज जी दे पावन पवित्र दरबार ते बैठ के दया दे सागर निम्रता दे पुजारी शांति दे पुंज कट कट दी जानन वाले परमेश्वर स्वरूप सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी दे दर्शन दे दारे करके अपना जीवन सफल कर रहे हो। अज तन तन सतगुरु बाबा पिप्पलदास महाराज जी का बरसी समागम, तन तन सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी की सरप्रस्ती हेठ मनाया जा रहा। सब तो पहला तन तन सतगुरु बाबा पिप्पलदास महाराज जी के चरणों के विच सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी वालों श्रद्धा के फुल अर्पण करते हाँ। कोट कोट प्रणाम। सतगुरु बाबा पिप्पलदास महाराज जी जिन्हां ने संसार दे विच आ के परमात्मा दा नाम जपया ते जेड़ियां रूहां उस परमेश्वर परमात्मा तो विछड़ियां होईयां सन उन्हां नूं परमात्मा दा नाम जपा के परमात्मा दा मिलाप करवाया। सतगुरु बाबा पिप्पलदास महाराज जी
जीव का मस्तक देख के ही पढ़ लेंदे सी कि इस जीव दे नाल की होने वाला है। सतगुर बाबा पिपलदास महाराज जी जिन्हों का आगमन गिलपत्ती विखे बठिंडे विखे होया, पर उन्होंने बल्लां दी धरती नूं आके भाग लाए, बल्लां दी धरती ते बैठ के परमात्मा दी बंदगी कीती, परमात्मा दा नाम जपया ते अज उस स्थान ते लखां ही संगतां आके नमस्कार करदियां ने, मूहो मंगे फल पाउंदियां ने। जिथे भी परमात्मा दा नाम जपण वाले पूरन संत महापुरश बैठ के परमात्मा दा नाम जपदे ने, वह जगह पूजन योग हो जाती है। सतगुर बाबा पिपलदास महाराज जी यहोजे महान महापुरश सन जो चाहो कर सकते सी। सहब सतगुर रविदास महाराज जी ने भी अपनी बाणी दे विच लिखिया है, पूरन संतां महापुरशां दे प्रति रविदास बने जो जाने सो जान संत अनंत अंतर नाही। क्यों परमेश्वर ओ परमात्मा ते परमात्मा दा नाम जपण वाले पूरन संतां महापुरशां दे विच कोई अंतर नहीं। किसी भी जीव दे मन दे विच भुलेखा ना जाए जावे कि संत कौन ने, संत परमेश्वर ने, परमात्मा ने, ओ खुद ओ परमेश्वर ओ परमात्मा पूरन संतां महापुरशां दा रूप धारण करके इस धरती ते आउंदे ने ते संसार ते जिहड़ियां रूहां परमेश्वर परमात्मा तो विछड़ियां ने उन्हां नूं परमात्मा दा मिलाप करवाउंदे ने परमात्मा दा नाम जपा के। धन धन सतगुरु बाबा पिपलदास महाराज जी जिन्हां दे चरणां दे विच संगतां ने बेनती कीती कि महाराज किते साडे ग्रह विखे भी चरण पाउणा कि साडा भी घर पवित्र हो जावे। जिवें अज भी सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी दे चरणां दे विच आ के संगतां अरदास बेनती करदियां ने, क्योंकि हरेक जीव यह चाहता है कि साढ़े घर परमेश्वर परमात्मा के चरण पैण। तो हरिपुर दीआं संगतां सन जिन्हां ने सतगुरु बाबा पिपलदास महाराज जी के चरणों के अरदास बेनती की कि महाराज किते साढ़े ते भी कृपा करनी, साढ़े गरीबों के ग्रह विखे भी चरण पाने। तो कुछ समा बीतता गया तो सतगुरु बाबा पिपलदास महाराज जी उस नगर के गए जिथे संगतां अरदास बेनती कर दिया सन, तां सतगुरु बाबा पिपलदास महाराज जी उन्हां दे ग्रह विखे गए संगतां दे ते उन्हां ने सतगुरां दे चरणां दे विच नमस्कार कीती ते संगतां ने सतगुरां दी सेवा कीती, चाह पाणी चकाया ते संगतां हथ जोड़ के सतगुरु बाबा पिपलदास महाराज जी दे चरणां दे विच अरदास बेनती करदियां ने कि महाराज साडे घर दे विच बहुत गरीबी है, रोटी भी बड़ी मुश्किल दे नाल मिलती है, तो आप कृपा करो जो साड़ी गरीबी है दूर कर दियो। तो सतगुरु बाबा पिपलदास महाराज जी ने अपनी मौज दे विच कृपा की, कहन लगे कि जाओ एक थाल दाणियां दा परके लैके आओ। तो संगतां नटके गईयां, दाणियां दा थाल परके लैके आईयां ते सतगुरु बाबा पिपलदास महाराज जी ने अपने हाथ दे विच फड़ के अरदास बेनती की ते सतगुरु बाबा पिपलदास महाराज जी कहन लगे कि जाओ ये दाणियां नूं जाके बाकी दाणियां दे विच रला दिओ। पुराने समय दे विच कच्चियां कोठड़ियां हुंदियां सन बनाईयां, उन्हां दे विच दाणे पाए हुंदे सन। तां सतगुरु बाबा पिपलदास महाराज जी कहन लगे कि उस कोठनी नूं जिंदा लगा दिओ, कदे खोल के नहीं देखणे कि इस दे विच किन्ने दाणे ने, ते जिन्नियां मर्जी पीड़ियां खाई जाओ ये दाणे नहीं मुक्कणगे, घर दे विच रोटी दी तंगी नहीं आवेगी। काफ़ी समा बीतदा गया ते संगतां दे मन दे विच आया कि असीं उह कोठरी खोल के देखिए कि उस दे विच किन्ने क दाणे ने, क्योंकि जिहड़ा जीव दा मन है मनदा नहीं, जेकर सतगुरां दे बचनां ते मन जावे तां फिर कहड़ी गल है, फिर तो जीव संसार दे भव सागर नूं पार कर जावे जेकर सतगुरां दे बचनां नूं अपने मन दे विच बसा लवे। ते उन्होंने जदों कोठरी खोल के देखी तो उन्ने दे उन्ने दाने जिन्ने पहला सी। फिर समा बीतदा गया तो वह कोठरी दे विच दाने खत्म हो गए, फिर घर दे विच गरीबी आ गई। त
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀੜੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿਆਈ ਜਾਓ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੋਠਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤਾਂਹੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਰੀਬੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਸਾਧੂ ਕਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਨੇ ਉਹ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੁੱਖ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੰਗਤਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਮਦਾਨ ਜੋ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 151 ਸਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ। ਉਸ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਪੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ, ਸਤਨਾਮ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਪੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਪੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਪੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਪੈ, ਸਰਵ ਭੇਖ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਵੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਭੋ ਨੀ ਉਪਜੇ, ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹਰਿ ਸਿਓ, ਹਾਂ
कह रविदास एक बेनती हर सियों पैज रखो राजा राम मेरी आनंद गुणी निदान गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब निवाज। सो सतगुरां दे सो 108 संत पिपल दास जी महाराज जिन्हां दा वर्सी समागम सारी संगत रल के मना रही है जी। सो बड़े पागा वाला दिन है जी। सो सारी संगत नू इस बरसी समागम की लख लख बधाई जी। सो आओ जी सतगुरां की अमृत बाणी दे अमृत बाणी विचों एक शब्द अमृत बेला नाम सत चार जुगो में पास अमृत बेला नाम सत चार जुगो में पास चार जुगो में पास अमृत बेला नाम सत चार जुगो में पास चार जुगो में पास सत संतोष तारण करो सत संतोष तारण करो कहत भए रविदास कहत भए रविदास अमृत बेला नाम सत चार जुगो में पास चार जुगो में पास अमृत बेला नाम सत चार जुगो में पास चार जुगो में पास देवन वाला देत है देवन वाला देत है तिसकी कर मान्यास तिसकी कर नान्यास सर्व जुगी प्रतिपालिया सर्व जुगी प्रतिपालिया तेरी मीठी ना खुआस तेरी मीठी ना खुआस अमृत बेला नाम
सत चार जुगों में पास चार जुगों में पास अमृत बेला नाम सत चार जुगों में पास चार जुगों में पास अंतर जामी जानता अंतर जामी जानता लेखे सासी गरासे बख्शन हारा बख्शशी बख्शन हारा बख्शशी प्रभु का होए दासे प्रभु का होए दासे पख सुन कई गुरी नाम को पख सुन कई गुरी नाम को अंतर रख प्यासे अंतर रख प्यास अमृत बेला नाम सत चार जुगों में पास चार जुगों में पास अमृत बेला नाम सत चार जुगों में पास चार जुगों में पास सत संतोष धारण करो सत संतोष धारण करो कहत पए रविदास कहत पए अमृत बेला नाम सत चार जुगों में पास चार जुगों में पास अमृत बेला नाम सत चार जुगों में पास चार जुगों में पास चार जुगों में पास जय गुरुदेव धन गुरुदेव बहुत